वेलकम बैक फ्रेंड्स, त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस वीडियो पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और नए नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बंधन बैंक के शेयर के बारे में, जो कि इस कंपनी ने आज अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और देखते हैं कि इस कंपनी ने किस तरह से अपना रिजल्ट में किस तरह से अपना जो है प्रॉफिट इनकम किया है या फिर लॉस किया। तो आइए देखते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं, मैंने इसका चार्ट लगा रखा है, और आप देख सकते हैं गाइस ये जो है इस क्वार्टर का आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको पिछले क्वार्टर का, और ये ईयर एंड ईयर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो है टोटल इनकम, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसका टोटल इनकम जो है वो 3,94,337 देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का। तो अगर बात करूँ तो गाइस इसके प्राइस की, तो ये रुपीज की, तो आप देख सकते हैं ये रुपीज इन लैक्स में आपके साथ ये पॉइंट जो है नंबर आपके साथ डिस्कस कर रहा है। तो इसने जो है फर्स्ट क्वार्टर में आपको 3,94,337 का आपके साथ जो है इसका नेट इनकम जो है टोटल इनकम आपने देखा। और अगर इसके पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 3,78,791 का आपको देखने को मिल रहा है इसके पिछले क्वार्टर का। तो अगर बात करेगा इस क्वार्टर एंड क्वार्टर में, तो ये आपको इस बार जो है काफी एडवांस देखने को मिल रहा है। और अगर ईयर एंड ईयर की बात करेगा तो आप देखते हैं इस ईयर में जो है 3,40,484 देखने को मिल रहा है इसके पिछले ईयर का। अगर बात करेगा इसके पिछले ईयर से इस क्वार्टर इस ईयर की, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी और काफी एडवांस देखने को मिल रही है। इसके टोटल इनकम की बात कर रहे हैं तो काफी एडवांस आपको देखने को मिल रही है इसके क्वार्टर में देखें या फिर इसके ईयर में देखें। तो काफी अच्छी और काफी अच्छी रिजल्ट ये शेयर आपको प्रोवाइड करा रही है। तो फ्रेंड्स आगे देखें तो ये कंपनी ने इतना इनकम किया, तो इसका कॉस्ट भी यानी कि खर्च भी आप देखने को मिल सकता है। तो आप देखते हैं इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, आप देख सकते हैं 2,07,000 ये 228 का आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करेगा इस, तो इसका टोटल है आपको ये 4 और 5 का देखने को दे रहा है, तो ये 4 और 5 का आपको देखने को दे रहा है। तो आप देखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंड जो है आप देख सकते हैं, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो जो भी देगा, तो ये 4 और 5 दोनों को मिलाकर आपको टोटल एक्सपेंस जो यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है वो 2,07,228 का आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देखते आपको ये लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है, जो 2,05,843 आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा डाउन है गाइस, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा डाउन है इस पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में आपको थोड़ा एडवांस देखने को मिल रहा है। एक तरह से आप इसको फ्लैट भी बोल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा अप इस बार देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले ईयर एंड ईयर की बात करें तो आप देख रहे गाइस ये 1,82,066 का आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर बात करें ईयर एंड ईयर में, तो आपको ये काफी एडवांस देखने को मिल रहा है इस बार जो है। तो अगर इस बार जो है, जैसा कि इस कंपनी ने ज्यादा इनकम भी की है, तो थोड़ा खर्च भी एक्स्ट्रा हो सकता है, जैसा कि आपको इस बार देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेगा इसने जो खर्च किया उसके बाद इसके बचे नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं ये नेट प्रॉफिट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो कि 37,308 आपको देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं 10,303 देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो आपको इस क्वार्टर में आपको काफी एडवांस देखने को मिल रहा है, जो कि अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो उससे बेटर आपको इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर की बात करें तो ये 54,981 देखने को मिला था, और इस ईयर में यानी कि इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है जो 37,308 तक का आपको प्रॉफिट ही देखने को मिला है। तो गाइस काफी अच्छी प्रॉफिट आपके साथ डिस्कस कर रही है ये पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, लेकिन ईयर एंड ईयर में थोड़ा डिक्लाइन चल रहा है। तो जैसे कि गाइज आपने देखा इसका प्रॉफिट भी आपने देखा, जैसे कि इसने जो है कंपनी ने काफी इनकम किया, काफी खर्च किया, उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अगर देखें इसके प्राइस अर्निंग गाइज यानी कि इसका जो है अर्निंग पर शेयर की यानी कि ईपीएस की बात करें, तो आप देख सकते हैं इस बार जो है इस क्वार्टर में आपको ये 2.32 देखने को मिला है। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 0.64 देखने को मिला था। तो गाइज काफी बेटर किया ये पिछले क्वार्टर के पीछे इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रही है। अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 3.41 आपको देखने को मिला था ये पिछले क्वार्टर में, ये अर्निंग पर शेयर, ये पिछले सॉरी गाइस अर्निंग पर शेयर जो है इसका जो है पिछले ईयर में आपको इतना देखने को मिला था। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो आप देख सकते हैं थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो काफी एडवांस देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेगा इसका नेट एनपीए की, तो एनपीए आप देख सकते हैं ये 2,45,786 का आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं 2,86,103 देखने को मिला था, जो कि पिछले क्वार्टर के पीछे इस क्वार्टर में देखें तो डिक्लाइन थोड़ा देखने को मिला है। तो ये एक तरह से अच्छी बात हो सकती है इसकी एनपीए, अगर एनपीए तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो ज्यादा बेटर होता है, जो कि आप देखने को मिल रहा है इस बार आपको
काफी कम देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर बात करें ईयर एंड ईयर की, तो आप देख देखा इस ईयर में काफी ही कम था, इसमें 33,577 का एनपी आपको देखने को मिला है ईयर में। और इस ईयर में आपको, यानी कि इस बार जो रिजल्ट आया है, उसमें आपको काफी एडवांस देखने को मिल रहा है ईयर के, ईयर एंड ईयर के अपेक्षा, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के अपेक्षा भी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो और भी काफी अच्छी बात है कि शेयर जो है थोड़ा कम खर्च की तरह काफी अच्छी प्रॉफिट भी कर रहा है। तो गाइस काफी अच्छी प्रॉफिट इस बार आपको देखने को मिली है, तो अगले ट्रेडिंग सेशन पे आप फोकस करें, काफी अच्छी रिजल्ट भी देखने को मिल सकती है, काफी अच्छी है शेयर में उछाल भी देखने को मिल सकती है। वीडियो बनाने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।